हद दर्जे की बात है कि ममता जानवर जिहाद कर रही है। आज हम इसे सतीश जी से समझेंगे कि ममता का संदेश खाली तो आपने जाना है कि संदेश खाली में उसने कैसे शाहजहां शेखों से लेकर के कई लोगों को खुला छूट दिया, हिंदू महिलाओं के साथ तुम्हें क्या करना है 18 से 16 साल की, लेकिन जानवर तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। ममता के इस जानवर जिहाद को आज हम समझेंगे। आज हम समझेंगे कि कैसे केजरी गैंग ने दिल्ली में तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके खेल कर लिया कि मुस्लिम वोट तुम ले लो, हिंदू वोट हम चंदन टीका लगा करके हम ले लेंगे, लेकिन केजरी पंजाब में दंगाइयों के संग मिलकर के क्या खेल करवा रहे हैं अपने भगवों से, इसे समझेंगे। और वो जोर शोर जो नरेंद्र मोदी को बर्बाद कर देना चाहता था, उसका इंटरनेशनल ठुकाई उसकी कैसी हुई, ये तमाम चीजें हैं। इन तमाम चीजों को आज समझेंगे बारी बारी से। सतीश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर, संदेश खाली में ममता बनर्जी का तो षड्यंत्र बाप सब दिख गया कि कैसे उसने अपने शाहजहां शेख के माध्यम से हिंदू महिलाओं को उसके पतियों उसके भाइयों से कहवाती थी कि तुम्हारी बहन 18 साल की हो गई है उसे भेज देना, तुम्हारी बीवी नई नवेली आई है, ये चीजें अब पब्लिकली आ गई है, जांच एजेंसी के सामने सब कुछ आ चुका हुआ है। वो गायब है शाहजहां शेख, इससे पहले ममता के कई गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं, ईडी की छापेमारी हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, साक्ष्य सामने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी सामने हैं। आप कह रहे ममता सिर्फ यहीं तक नहीं है, बृहत बंगाल की बात हो रही, क्या ममता बनर्जी बांग्लादेश और बंगाल को मिलाकर के एक अलग इस्लामिक लैंड बड़ा स्तर बनाना चाह रही है, लेकिन आप उससे आगे कह रहे हैं कि ये तो अब जानवर जिहाद पे उतर गई है ममता बनर्जी, कैसे सर? मुनि जी, बहुत बहुत शर्मनाक घटना और बहुत बड़ी घटना है। और ये जो संदेश खाली की हिंसा चल रही है, इसके तार भी समझिए इससे जुड़े हुए हैं। ममता कितनी घृणित स्तर पर उतर आई है हिंदू में, और हिंदुओं को अपमानित, लांछित, और उनके देवी देवताओं को, इसका मनी जी बड़ा घिनौना उदाहरण अभी सामने आया परसों। सिलीगुड़ी का चिड़ियाघर मनी जी, और सिलीगुड़ी के चिड़ियाघर में दो शेर, एक शेर और एक शेरनी लाए गए। शेर का नाम रखा वन विभाग ने अकबर। दर्शक जरा ध्यान से सुने कि शेर का नाम रखा अकबर और शेरनी का नाम रखा सीता, और उनको एक बाड़े में बंद कर दिया। जरा जिनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो जो चिड़ियाघर वगैरह में जो जानवर लाए जाते हैं, उनको एक बाड़े में क्यों बंद किया जाता है? उनको मेटिंग के लिए बंद किया जाता है, ताकि आगे उनके उनसे संतान बढ़े और आगे निकले। तो ये उसका नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता। ये जरा अभी बता रहा हूं, उसका कनेक्शन जोड़िएगा मनीष जी। 16 फरवरी को विश्व हिंदू परिषद इसको लेकर पूरा प्रकरण लेकर जब वो कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने गया, तो कलकत्ता हाई कोर्ट को जब पूरा सामने आया, तो वो आग बबूला हो गया। उसने कहा, ये तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? और कलकत्ता हाई कोर्ट ने परसों फटकारा है, और इसको बंगाल की सरकार को आदेश दिया है कि ये तो तत्काल ये नाम बदलकर अलग किए जाएं। ये बड़ी जी जरा खबर दिखा दीजिए दर्शकों को कि ये क्या। मैं पढ़े देता हूं, ताकि अभी आता हूं इसमें आगे क्या कहानी है मनीष जी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शेरनी का नाम सीता और शेर का अकबर रखने पर आपत्ति जताई है। वहीं बंगाल सरकार को विवाद से बचने के लिए दोनों का नाम बदलने का आदेश दिया है। शेरनी का नाम सीता और शेर का अकबर रखे जाने पर का विवाद सामने आया है। मामला पश्चिम बंगाल का है, जहां कलकत्ता हाई कोर्ट ने शेरनी का नाम सीता और शेर का नाम अकबर रखने पर आपत्ति जताई है, क्योंकि दोनों जानवरों को सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी पार्क में एक ही बाड़े में रखा गया था। साथ ही विवाद से बचने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से दोनों का नाम बदलने का आदेश कोर्ट ने दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार से शेर अकबर और शेरनी सीता का नाम बदलने को कहा, जिनके नाम पर विवाद पैदा हो गया था। कोर्ट ने कहा कि किसी भी जानवर का नाम किसी हिंदू भगवान, मुस्लिम पैगंबर, ईसाई जहाज, ईसाई महान पुरस्कार विजेताओं, राष्ट्र नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर न रखे, इससे विवाद की स्थिति पैदा होती है। पीठ ने सुझाव दिया कि पश्चिम बंगाल चिड़ियाघर प्राधिकरण इन दो जानवरों के नाम बदलकर विवेकपूर्ण निर्णय ले। कोर्ट ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और हर समुदाय को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। तो ये पाप क्यों हुआ,
16 फरवरी को जब सिद्धू परिषद ने जाके कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उस पूरा प्रकरण सामने रखा, तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसको बहुत फटकारा है। तो बहुत संक्षेप में खबर है, और 22 तारीख को ये ऑर्डर पास हुआ है। अब जरा मनीष जी, जरा संदेश खाली करिए, ये कितना घिनौने स्तर पर ये है कि ये जो चिड़ियाघर है मनीष जी, ये किसी भी सरकार के वन विभाग के अधीन आता है, और इस चिड़ियाघर का वन मंत्री जो था बंगाल सरकार का, वो ज्योतिर्प्रिय मलिक है, जो एक तरह से शाहजहां शेख का गुर्गा है, और वो मुसलमान वोट पाने के लिए ही उसको शाहजहां शेख को पाले हुए था, या उसका उसका गुलाम था। तो वो शाहजहां शेख को खुश करने के लिए, जरा सोचिए मनीष जी, माता सीता उनके नाम पर रखकर, एक शेरनी का नाम रख के, और उसके साथ जिस शेर को बंद कर रहा उसका नाम रखा उसने अकबर। तो ये क्या संदेश देना चाहते थे, जरा ये समझिए कितनी गहराई तक और कितनी नीचता और नंगाई पर उतर आई है ममता बनर्जी, कि वो इस तरह से हिंदुओं की जो भगवान राम और माँ सीता को किस तरह से अपमानित, नहीं मतलब अश्लीलतम एक तरह से अभिव्यक्ति है उसकी, कि उसने क्या क्या संदेश देने की कोशिश की थी उस शाहजहां से गुंडे जिसके दम पे ज्योतिर्प्रिय मलिक चुनाव जीतता है, और इस ममता बनर्जी को मुसलमानों के वोट मिलते हैं। तो मुसलमानों को खुश, शेरनी का नाम फातिमा और राम का नाम, शेर का नाम राम क्यों नहीं रखा, अगर बड़े धर्मनिरपेक्ष बड़ा इसको ये था रखते जरा, या शेरनी का नाम ममता रख देते, उसका शेर का नाम अब्दुल्ला रख देते, ममता नाम तो बहुत होते हैं, क्यों नहीं रखा जानबूझकर, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि राममय हो रहा है देश, भगवान राम की पूरी जय जयकार हो रही है, तो माता सीता को कितनी बुरी तरह से अपमानित करने का ये था। और ये मैं नहीं कह रहा मनीष जी, ये कलकत्ता हाई कोर्ट जब उसके सामने तथ्य रखे गए, तो वो आग बबूला हो गया, फटकारा और इनसे कहा उसको बदलो। तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट भी इस बात को समझ रहा था कि ये क्या कुकर्म हुआ है, और मगर मनीष जी हमारे यहाँ बिल्कुल इस खबर को पी गए ये जो खैराती राष्ट्रवादी है, इन्होंने इसको बस कहीं तो जिक्र ही नहीं किया, कुछ ने अपना हल्का फुल्का किया काम खत्म। तो यहाँ भगवान राम को गाली देने की छूट है, माता सीता को अश्लीलतम तरीके से अपमानित करने की छूट है, और अकबर को अपने खोपड़ी में बैठाकर घुमाने की जीत छूट है, ये इसका एक उदाहरण है। और ये मैंने कहा कि ये कनेक्शन संदेश खाली का ही है, क्योंकि वो ज्योतिर्प्रिय मलिक जो आजकल जेल में है, मोदी सरकार ने उसको जेल में डाला है, ईडी ने उसका छापा, वो एक तरह से शाहजहां शेख का गुलाम था, क्योंकि मुस्लिम वोटों चंक में मुस्लिम वोट उसको वो दिलाता है, तो उसको खुश करने के लिए मुस्लिम वोट ममता बनर्जी की झोली में डालने के लिए ये कुकर्म हुआ था। और सबसे खास बात बनी थी, जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया, तो वहां के जो महाधिवक्ता प्रस्तुत हुआ था बंगाल सरकार का, वो कह रहा है इसमें कोई खास बात नहीं है, ये इसको इसको ना बदला जाए तो बेहतर होगा, ये बंगाल की सरकार कलकत्ता हाई कोर्ट को समझा रही थी। तो ये समझिए कि केवल हमारी आपकी ये मनीष जी की बात नहीं है, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश बैठे थे उनका भी खून खौल गया कि किस तरह से ये कुकर्म हो रहा है। तो ये इस प्रकरण को लाना, और लाना इसलिए जरूरी था मनीष जी, हम लोग कहते हैं, जरा सोचिए कि हमारे यहाँ मीडिया में कोई खबर ही नहीं है, ये खबर ही नहीं है जिसपे ममता बनर्जी सरकार को हाई कोर्ट में जूते पड़े हैं, जूते, और हिंदू हिंदू द्रोह पे पड़े हैं, भगवान राम और माँ सीता को अपमानित करने के लिए पड़े हैं। ये कुकर्म तो मनीष जी कभी किसी मुगल शासक ने भी नहीं किया था, जो ममता बनर्जी कर रही है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि खबर पुरानी, देखिए खबर हाईकोर्ट के लिहाज से, हाईकोर्ट भी बाईस अभी अभी तारीख आया बाईस है, तारीख का तो फैसला है उसका, 22 तारीख का और फैसला है, अगर और इसीलिए कहते हैं जब आप इस तरह की बात करके आप किसी चीज को हल्का कर देते हैं। ये 22 तारीख का कोलकाता हाईकोर्ट का नहीं नहीं खबर मनीष को जी, मतलब ये जो जो जिन सज्जन को लग रहा है कि पुरानी है, तो हल्ला क्यों नहीं मचाया तुमने, ये मुद्दा क्यों नहीं बना, या तुमको परे तुमको स्वीकार है ये, जिनको बड़ा बुरा लग रहा है कि ये तो पुरानी है, तो ये अगर खबर पुरानी और नई की बात करोगे तो फिर तैयार रहोगे, जैसे 1,000 साल गुलाम रहे हैं, अगले 1,000 साल की नहीं, और तैयारी हाई करो। कोर्ट के रिएक्शन से इस खबर की गर्माहट हो गई। उस नाम तो सचमुच हो सकता है, पैदा हाई कोर्ट तक मैटर आते आते समय तो लगता ही है, लेकिन आप चूंकि मुझे इसलिए कहना पड़ता है कि जब आप इस तरह के कमेंट्स करते हैं तो किसी चीज को हल्का करने की कोशिश करते हैं। अरे छोड़िए ये मनीष इतना जी, गंभीर मामला है, इतना गंभीर कि मुझे लगता है कि हाल के दिनों का सबसे ये संदेश खाली के उस पाप से भी कम खतरनाक नहीं है जो ये शाहजहां शेख कर रहा है।
ये क्लब करके यदि समझिए तो समझ लाइए कि ममता बनर्जी चाहती क्या है। क्या ये पूरी तरह से सर ये जानबूझ करके अपमानित करने का हिंदुओं का और एक वर्ग विशेष को खुश करके, कोई कोई बृहद बंगाल की इस ढंग की कोई साजिश तो नहीं कि बांग्लादेश को भारत से अलग कर दिया किया जाए? हाँ वो तो वो भी बिल्कुल उसी अंदाज में चल रहे कि वो भी एक अलग देश बनाने की उसमें है कि बस इसको मुस्लिमिस्तान बना देगी वो, खुद भी इस्लाम स्वीकार कर लेगी, यही उसका उसके लक्षण यही लग रहा है। लेकिन लेकिन फिलहाल जो संदेश खाली का संदेश आ रहा है वहां से, उससे लग रहा है कि उसके गिने चुने दिन बचे हैं मनी जी, गिने चुने दिन बस। और निश्चित रूप से ये कोलकाता हाईकोर्ट का एक्शन, मतलब इसकी तारीफ की जानी चाहिए और इस बात को दूर तक पहुंचाइए कि किस कदर मतलब जानवर जिहाद इस स्तर तक, इसे आपने बिल्कुल सटीक नाम आपके कहने पर हमने इसको हेडिंग दी है, जानवर जिहाद है इस स्तर तक, मतलब इंसान से लेकर जानवरों तक कहीं नहीं छोड़ना। ये सामान्य मामला नहीं है, ये बेहद गंभीर मामला है, इसकी गंभीरता को समझा जाना चाहिए कि ममता बनर्जी किस स्तर तक गई है। जो ममता बनर्जी जब संदेश खाली के लिए कहती है कि महिलाएं चेहरा क्यों नहीं दिखाती है, सब झूठ है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता सब करवा रहे हैं, ये संदेश खाली, ये जो चिड़ियाघर में जो हुआ हो तो जो पशु वन मंत्री है उसके अंदर में सब कुछ आता है, इसका मतलब है कि सरकार का एजेंडा है इस तरह से बंगाल को अपमानित करने का, बंगाली हिंदुओं को अपमानित करने का। बिल्कुल एकदम साफ, और अपमानित करके केवल उनको संदेश देने का, जिनको जिनको बड़ा मजा आता है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है, तो वो केवल मुसलमान वोटों के लिए कितना घटिया स्तर पर उतर आई, कितना नीचे गिर गई है, इसका एक बड़ा शर्मनाक उदाहरण है मनीष जी ये घटना। बिल्कुल सर, शर्मनाक उदाहरण। लेकिन कई बार सब चौंकता हूं, बंगाल और पंजाब इन दोनों राज्यों ने विभाजन की सबसे ज्यादा पीड़ा झेली है कि दोनों का हिस्सा बीचों बीच कटा है।